जयपुर से लगातार यहां पर बने हुए हैं। भारत, अगर 55 वोट का दावा जैसा कुछ देर पहले यहां पर किया गया कि वो कांग्रेस के खाते में चले गए हैं, तो जीत हार को तय माना जाए फिर? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो 56 वोट अभी इनके पक्ष में आए हैं। जीत के लिए क्षेत्र का आंकड़ा चाहिए जो इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये उम्मीद करके बैठे हैं कि हो सकता है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उनमें से कुछ इनके पक्ष में मतदान हो, इस तरह के दावे ये कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पर महापौर का चुनाव हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी और कांग्रेस का महापौर यहाँ पर बनाया गया था, तो ये भी अभी भी वही चमत्कार की उम्मीद करके बैठे हैं कि जब 2 बजे बाद में रिजल्ट आए तो उनके पक्ष में यहाँ पर महापौर बनेगा। लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और कह रहे हैं कि हमारे 88 तो खुद के हैं, इसके साथ ही निर्दलीय भी हमारे साथ हैं और बोर्ड महापौर बीजेपी का ही बनेगा। तो दावा यहां पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अपने पार्षदों को लेकर किस तरीके से एहतियात जो है वो बीजेपी की तरफ से बरती जा रही है? देखिए, बीजेपी के पार्षद अभी मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके जो नेता है सांगनेर से विधायक हैं अशोक लाहोटी, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पार्षदों को पहले प्रशिक्षण शिविर भी दिया गया, उनको मतदान की जानकारी दी गई किस तरह से मतदान करना है। और ये अपने जो कैंडिडेट बनाया है उन्होंने सौम्या गुर्जर जो महापौर के उम्मीदवार है उनको लेकर उन्होंने सारी गाइडलाइन और अपनी पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराया था। और यही बात है कि यही उन्हें विश्वास है कि अब जब 88 तो उनके पार्षद निर्दलीय का साथ लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन जो अंतिम आंकड़ा आएगा वो 2 बजे मतदान के बाद ही आ पाएगा। यानी लगभग अपना जो घर है, देखिए हमारे साथ कही, जी जो ग्रेटर से जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से श्योर यहां पर नजर आ रही हैं बीजेपी के। कुछ अपडेट के साथ जुड़े हैं, उनसे जाने क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट ये है कि अभी तक 53 यानी 53 पार्षदों ने अपना मतदान कर दिया है। अभी हमें अंदर जो मतदान केंद्र है वहां से जानकारी सामने आई है, 53 मत डल चुके हैं। अभी शेष जो मत है वो 97 है, इनमें से भाजपा के पक्षधर अधिक है, कुछ निर्दलीय शेष है क्योंकि 49 पार्षद कांग्रेस के पास थे, उनमें से अधिकतर ने मतदान किया है, 2 अभी लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में जो बाकी जो निर्दलीय हैं उन्होंने अपना मतदान किया। कांग्रेस जो प्रारंभिक तौर पर जो दावा कर रही है वो ये है कि करीब 55 या 56 इस आंकड़े तक वो अपने पक्ष में पार्षदों को करने में सक्षम रही है। हालांकि एक बात ये भी है, क्योंकि अब जब चुनाव महापौर के लिए है तो आने वाले दिनों में अगर भाजपा कांग्रेस अभी से मजबूती दर्शाती है तो आने वाले दिनों में महापौर की गद्दी में उलटफेर की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि उनके पक्ष के पार्षद ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है इसी गठजोड़ के साथ कर रहे हैं। एक सुखद तस्वीर भी हम देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो एक साथ बैठकर अब चर्चा कर रहे हैं। राजनीति के लिहाज से जो कटुता चुनावी मैदान में रैलियों में सभाओं में दिखती है वो अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, केवल क्षेत्र के मुद्दे, राजनीति के मुद्दे, पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जी, तो यानी इस वक्त जो बातचीत का दौर है वो भी नेताओं के बीच शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन